नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग यहाँ पे महीने का अर्निंग आप लोग देख सकते हैं इस चैनल का, $27,600 से लेकर $4,41,800 तक सिर्फ ये एक महीने में कॉपी पेस्ट करके अर्न करते हैं। और इनके जो चैनल पे 30 दिन का व्यूज आता है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 110 मिलियन व्यूज आता है। और अगर इनका मैं चैनल का आईडी दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल फनी गेम करके नाम है इनके चैनल का। और यहाँ पे आप लोग 1600 वीडियो अपलोड है, लेकिन भाई 6 मिलियन सब्सक्राइबर इनके जो है वो होने वाले हैं। और इनको जो व्यूज आता है आप लोग देख सकते हैं 115 मिलियन, 98 मिलियन, 51 मिलियन, 50 मिलियन, 39 मिलियन, 38 मिलियन, 34 मिलियन, 32 मिलियन, 29 मिलियन, मतलब आप लोग सोच सकते हैं। और भाई अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है, तो यहां पे आप लोग लाइव उनके साथ देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग का ऑप्शन ये डायरेक्ट ऑन किए हैं, मतलब आप लोगों को अनुमान तो लग ही गया होगा कि इनका भाई चैनल जो है वो मोनेटाइज है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि एक दो पहले वीडियो में प्ले करके दिखा देता हूं कि कंटेंट है कैसा इनका। यहां देखिए, आज मैं नींबू पानी बना के पीऊंगा, अरे मेरा नींबू, अरे मेरा सेब, अबे मेरी सब्जी को मत तोड़ना, मेरी सब्जी भी तोड़ दी, मेरा वाटरमेलन भी तोड़। जितना वीडियो देखेंगे सभी का सभी वीडियो जो है ना वो सेब ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को, सभी का सभी वीडियो। देखिए देखिए यहाँ पे कितना यूनिक तरीके से है, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये 3-4 ऐप यूज करते हैं और उसको भाई गेम खेलकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और थोड़ा सा अपना एक्टिविटी ऐड करके यूट्यूब से आज महीने के लाखों रुपए तक अर्न कर रहे हैं। अगर आप लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं यूट्यूब पे जल्दी से ग्रो होना चाहूं, तो भाई यूनिक कॉन्टेंट आप लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूनिक कॉन्टेंट सभी होता है, यूनिक कॉन्टेंट को खुद से बनाया जाता है, अगर बनाने का आपके पास तरीका जो है वो सही तरीके से हो तब, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये आज प्रेजेंट टाइम में ये यूट्यूब से भाई लाखों रुपए तक अर्न करते हैं। अगर ये चाहे ना स्पॉन्सर करे ना, तब भी हर एक वीडियो से भाई 20,000 से 30,000 से 40,000 बस शॉर्ट वीडियो से अर्न करेंगे, और यूट्यूब की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आखिर इस तरह का कॉन्टेंट आप लोगों को बनाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, तो देखिए मैं आप लोगों को 3-4 ऐप के बारे में बताऊंगा, जो कि भाई 3-4 ऐप प्ले स्टोर पर भी मिलेगा, और 1-2 ऐप जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम पे जाना है, और वहां पे आप लोगों को वो ऐप का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग इजी तरीके से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं जितने भी कॉन्टेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूं, और भाई अभी तक मेरा जितना भी वीडियो जा रहा है सभी का सभी ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है, क्योंकि भाई मैं रियली कॉन्टेंट बताता हूं, और सबसे पहले मैं ही कॉन्टेंट बताता हूं, तभी मेरे कॉन्टेंट को सभी लोग कॉपी करके भाई बताते हैं। माना कि उनके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनके अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, लेकिन मेरे भी कम नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट प्रेजेंट टाइम में मुझे बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्ट कट कर देना। पहले मैं आप लोगों को 1-2 ऐप दिखा देता हूं प्ले स्टोर पर, फिर उसके बाद आगे मैं जिस ऐप से आप लोगों को बताऊंगा वो ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप लोग को। तो देखिए मैं अपने मोबाइल के अंदर पहले प्ले स्टोर को ओपन करता हूं, और नीचे सर्च वाले पे क्लिक करके, और यहां पे मैं सर्च करता हूं, क्या करूंगा यहां पे देखिए, यहां पे कोई भी मैं लिखकर सर्च कर देता हूं, आप लोग भी ये लिखकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्सक्यूजी गर्ल्स करके मैं यहां पे किया हूं। अब ये वाला ऐप आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना। देखिए इस तरह का ऐप आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग जब सर्च करेंगे ना, यहां पे मैं एक बार और आप लोग को यहां पे सर्च करके दिखा दूं, देख सकते हैं रनिंग, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग गेम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब रनिंग गेम लिख के यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब आप लोगों को 3-4 ऐप यूज करना है। तो देखिए मैं जिस ऐप को बताने वाला हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, वो ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आप लोगों को करना कि अपने मोबाइल का जो डाटा है ना, पहले उसको अपने मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर लेना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे मैं आप लोग को साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरह से आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना है, और जो ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना है टेलीग्राम के थ्रू उस ऐप को यहाँ पे ओपन करना। तो वो ऐप मेरा कहाँ गया, अभी यही पे था मेरा ऐप जो था, वो देखते हैं कहाँ गया, इसको जी ये रहा, ठीक है। मैं इस ऐप के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इस ऐप को आप लोगों को इजी तरीके से इंस्टॉल कर लेना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को टैप करना है, एक बार टैप करेंगे कूदेगा, फिर 2-3 बार टैप करेंगे तो ये सेव पे जाएगा, फिर इस तरह से जाएंगे तो ये देख सकते हैं वही गेम है जो गेम मैं बताया हूँ। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड हो गया, तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा, फिर मैं खेलूंगा, इस पर जाएंगा, फिर देख सकते हैं 2 बार मैं करूँगा सेव पे आ जाऊँगा, फिर मैं 2 बार करूँगा इस पर आ जाऊँगा, फिर 2 बार करूँगा इस पर आ जाऊँगा, अब देख सकते हैं थोड़ा वो भाई मैं गिर गया। तो मतलब इसी तरह से आप लोगों को खेल लेना है, ठीक है, पूरा गेम आप लोगों को लेवल टू लेवल खेलते जाना है, एक एक लेवल एक एक बार आप लोगों को खेलना है, और उसको थोड़ा सा अपना एक्टिविटी ऐड करके अपलोड करना, और कोई काम धाम करना ही नहीं है, मतलब यार 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, क्रिएट करना। मैं ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भाई क्रिएट कर चुका हूं, लेकिन आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। करने के बाद अपने मोबाइल के अंदर आप लोगों को काइन मास्टर को ओपन करना है।
काइन मास्टर को ओपन करने बाद आप लोग को सबसे पहले अगर होम पे रहेगा तो इस तरह से पहले यहाँ पे ऐड आ जाए, यहाँ पे होम पे रहेगा तो इस तरह से दिखाई देगा। अब नीचे क्रिएट का जब ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करना है तो ऊपर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पहले आप लोगों को शॉर्ट वीडियो पे काम करना है। वो बंदा जो है ना वो लॉन्ग वीडियो पे भी काम करते हैं, अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो पे भी ये काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इनका लॉन्ग वीडियो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वीडियो 8000 गया, वो भी एक साल पहले किए थे, लेकिन भाई इनका लॉन्ग वीडियो ज्यादा नहीं चला है, तो शॉर्ट वीडियो पे काम करते हैं तभी बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं आप लोग जो देखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट वीडियो पे काम करना है, 9:16 सेकंड नंबर का जो रेशियो है उस पे क्लिक करना है, और नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों को इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले राइट साइड में मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं एरो डाल देता हूं, उस पे आप लोगों को क्लिक करना है, और अभी आप लोग जो गेम खेलकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं उसको ऐड करना है, और राइट साइड में क्रास पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा, तो आप लोगों को स्क्रॉल करके इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। अब आप लोग अगर बीच में खेले होंगे गेम और वहां पे खेल नहीं पाए होंगे, फील्ड लिख दिया होगा, तो उस पार्ट को कट करना है, जहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का रियली में गेम वहीं से आप लोग को रखना है। अगर फालतू का पार्ट आप लोग रखेंगे तो आपको जो व्यूजर है ना वो आपके वीडियो को वॉच नहीं करेंगे। तो यहां पे मैं स्क्रॉल करके पहले देख लेता हूं कि मेरा कहां तक फील्ड है, देख सकते हैं मेरा जो फील्ड था ये वाला था, तो इस पार्ट को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अब मेरा जो गेम हो रहा है स्टार्ट वो यहां से हो रहा है, ठीक है, यहीं से हो रहा है। अब यहीं पे मैं रोक देता हूं, रोकने के बाद राइट साइड में कैंची का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को उस पर क्लिक करना है, और फर्स्ट वाला जो ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। अब फालतू का जो पार्ट है वो कट गया, अभी आप लोग को बैक नहीं जाना, सिर्फ एक बार ही बैक करना है, और नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करके आना है। आने के बाद पैन एंड जूम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, सॉरी दोस्तों उस पर क्लिक करना है, और पैन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद इक्वल पे क्लिक कर देना है, उसका दोनों हाथों से इसको पकड़ के इस तरह से जूम कर देना है, यहां देखिए जूम कर देना है। अब ऊपर और नीचे का जो वाटर मार्क था वो हमारा यहां पे हट गया है, मतलब अब कोई रियूज कॉन्टेंट नहीं आ सकता है, ना ही कोई क्लेम आ सकता है। अब आप लोग को बैक जाना है और स्क्रॉल करना है, इस तरह से स्क्रॉल करके देखना है कि आपका जो गेम है वो कहां तक एंड हो रहा है, देख सकते हैं आपका ये जो गेम है वो यहीं तक एंड हो रहा है। आपका ये जो विनर वाला दिखा रहा है ना, इसको भी आप लोगों को दिखाना नहीं है, नहीं तो रियूज कॉन्टेंट आ जाएगा भाई, जो जिसका ऐप है ना वो जान जाएगा, तो रियूज कॉन्टेंट या तो स्ट्राइक दे देगा, तो इतना याद रहे लोगों को ना दिखाई देना चाहिए। अब ये यहीं पर रोक देना है, रोकने के बाद आप लोग को फिर दोबारा कैंची पे क्लिक करना और ट्रिम राइट कर देना, अब इधर का पार्ट जो है वो कट गया। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, बैक जाना है और फटाफट यहां पे देखिए आप लोग को फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना है और वर्म पे जाना, फर्स्ट वाला फिल्टर ऐड कर देना है, और उसका भाई ऐड करने के बाद ये ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो 100 है तो यहां पे इसको 25 या 26 उस पे अपने हिसाब से कर देना, अपने वीडियो के हिसाब से। अब बैक जाना है, फिर बैक जाना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये आ जाना है। अब यहां पे सब काम तो हो चुका है, लेकिन आप लोग को भाई यहां पे वॉइस ओवर देना पड़ेगा। अभी जो मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूं उसमें वॉइस ओवर आप लोग सुने होंगे, तो यहां पे आप वॉइस ओवर देने के लिए मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूं, पहले एक दो बारी वीडियो को देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस बना लीजिएगा, तब करिएगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोग को। तो राइट साइड में REC का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं एरो डाल देता हूं, उस पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहां पे फर्स्ट बारी अलाउ करने के लिए बोलेगा, अगर आप लोग फर्स्ट बारी कर रहे होंगे उसके बाद नहीं मांगेगा। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, अरे छोटू ये तूने क्या किया मेरे फल को, तूने क्या किया, ओ भाई सेब को भी तूने नहीं छोड़ा मेरा सेब, ओ मेरा बैगन क्या हो गया भाई, ओ तरबूज को भी तूने नहीं छोड़ा, ओ छोटू मान जा तू मेरी बात मान जा, केले को भी नहीं छोड़ा तूने छोटू, अरे एक तो छोड़ दे मेरे लिए, एक तो छोड़ दे छोटू, ओ भाई। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा यूनिक तरीके से बोलना है कि आपके जो व्यूजर हैं छोटे बच्चे ज्यादा होंगे तो उनको भाई आपका साउंड जो है ना अच्छा लगे और यूनिक तरीके से लगे, तभी आपका जो चैनल ग्रो होगा। भाई मैं स्टार्टिंग में आपसे बोला हूं कि किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए यूनिक कंटेंट बनाना पड़ता है, अपना तरकीब अपना तरीका यूज करना पड़ता है। एक कंटेंट मैं कर रहा हूं, एक कंटेंट आप कर रहे हैं, अगर दोनों कंटेंट सेम है लेकिन मेरा तरीका यूनिक रहेगा आपका नहीं रहेगा, तो मेरा वीडियो जल्दी वायरल होगा आपका नहीं होगा। ये बात आप लोग को अपने दिमाग में बिठा लेना, भाई मैं आप लोग की वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं 4 साल से YouTube पे काम कर रहा हूं। अब देखिए आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले डिस्प्ले टच करके एक बार प्ले करना, यहां देखिए, अरे छोटू। अब देखिए यहां से मेरा वॉइस ओवर होना स्टार्ट हुआ है, यहीं पे मैं रोक देता हूं, रोकना इस पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना और ट्रिम लेफ्ट कर देना है, और उसके बाद इसको प्रेस करके स्टार्टिंग पॉइंट पे ला देना है। अब इसके लास्ट पे जाना और ये जो फालतू का पार्ट है इसको आप लोग को कट करना है, तो ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करके ट्रिम राइट कर देना। अब ये इक्वल हो चुका है, अब यहां पे सारा काम हो चुका है, आपका कोई वीडियो कॉपी ना कर पाए उसके लिए आप लोगों को अपने चैनल का नाम भी लिख देना है, तो लेयर पे क्लिक करना है, फिर टैक्स पे जाना है, और जैसे मेरे चैनल का नाम है सोनू पासवान, तो मैं यहां पे सोनू पासवान लिख देता हूं। आप लोग अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल पे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं
यूनिक कंटेंट बताता हूँ आप लोग को। अब इस तरह से नीचे लाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अभी देखिए थोड़ा लाइटिंग में है तो आप लोग को नीचे जाना है और अल्फा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कोष्टक में ओपेसिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है। आप देख सकते हैं यूनिक तरीके से आपका हो चुका है। अब बैक आना है और इसका जो लेयर इस तरह से आप लोगों को बढ़ा देना है, देख सकते हैं इस तरह से पकड़ के पूरा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक की भी एक ऐड करना है, तो उसके लिए आप लोगों को आइडियो पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, फोल्डर पे जाना है और कोई भी इमोशनल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, जैसे कि इमोशनल वाला हो, ऐसा ना कि दूसरा कोई हो, इमोशनल वाला रहेगा तो बस अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए मैं ये वाला कर देता हूँ, आप लोग कोई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करके जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं, मिक्सर पे जाना, 100 इसको 0 कर देना है, उसका साउंड म्यूट हो जाएगा, बस ये आपका काम खत्म हो चुका है। मैं एक बार यहाँ पे प्ले करके सुना देता हूँ आप लोग का किस तरह से मेरा हुआ है। यहाँ देखिए देखिए अब यहाँ पे जो मेरा साउंड है वो थोड़ा सा स्लो है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा हाई है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक वाले पे क्लिक करके मिक्सर पे जाना, 100 है, इसको आप लोगों को थोड़ा डार्क कर देना ताकि आपका जो साउंड अच्छी तरीके से सुनाई दे और बैकग्राउंड म्यूजिक आपके बैकग्राउंड में चले। अब यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ। यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपका वीडियो क्रिएट हो चुका है। अब इसको करना है सेव, तो सेव करने के लिए राइट साइड में एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेजुलेशन पूछेगा तो 1440 कर दीजिएगा, फ्रेम रेट पूछेगा तो 60 पे दीजिएगा और ब्राइटनेस पूछेगा तो मैक्सिमम 15-16 के बाद ही रखिएगा। उसका राइट साइड में सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक कर देना है। ये जो वीडियो आपके गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने चैनल को जल्दी से ग्रो करना और महीने के लाखों रुपए तक अर्न करना और बिना फेस दिखाए, तो इस कंटेंट को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंटेंट है। और इस कंटेंट का जो कैटेगरी है वो पीपल एंड ब्लॉग है, और जब कभी भी आप लोग वीडियो को अपलोड करिएगा तो वहां पे यस फॉर्मेट किट करिएगा, नो फॉर्मेट किट नहीं करिएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे ज्यादा वॉच करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।